जोशी मठ के अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने जो अपनी मेहनत से घरों को बनाया था वो टूट रहे हैं। इस तमाम जद्दोजहद के बीच एक बेहद डरावना सच सामने आया है। केवल 12 दिनों में जोशी मठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर तक धस गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा किया। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। जोशीमठ में जमीन धसाव के बाद घरों और सड़कों में जो दरारें पड़ी उन पर देश के तमाम साइंटिस्ट रिसर्च में जुटे। इस दौरान कुछ सैटेलाइट तस्वीरें पहली बार इसरो ने जारी करी, जो जोशीमठ में इस संकट के आगाज से लेकर भयावह तक का किस्सा सुना रहे। इसरो की तस्वीरों से पता चलता है कि जोशीमठ पर खतरा पिछले करीब 9 महीने से मंडरा रहा था, जो तेजी से बढ़ा है। इसरो की तस्वीरें से ऐसा लग रहा है कि अगर भू दशाव नहीं रुका तो वहां पर बड़ा खतरा आ जाएगा। फिलहाल तस्वीरों के मुताबिक शहर के धसने का सिलसिला अप्रैल में शुरू हुआ। धसाव की रफ्तार इतनी धीमी थी कि लोगों को खतरे का पता तक नहीं लग पाया। शुरुआती 7 से 8 महीने के बीच जोशीमठ की जमीन करीब 8.9 सेंटीमीटर तक धसी। 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच शहर तेजी से धसा। महज 12 दिनों में जमीन 5.4 सेंटीमीटर तक धस गई। इसरो ने ये सभी तस्वीरें कॉट्रेसेट 2S सैटेलाइट से ली हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कौन सा हिस्सा धसने वाला है। तस्वीरों में एक बड़े हिस्से पर पीले रंग से निशान लगाया गया, इसका मतलब है कि इस हिस्से में खतरा सबसे ज्यादा है। तस्वीरों में लाल रंग की धारियां जो दिखाई गई हैं वो सड़कें हैं, वहीं नीले रंग का जो बैकग्राउंड है वो जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है। तस्वीरों में जोशीमठ के सेंटर को लाल रंग के गोले से दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि यह हिस्सा सबसे ज्यादा भूदशाओं से प्रभावित है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा शहर धसने वाला है। इसरो ने ओली रोड, आर्मी के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को भी मार्क किया है कि ये जल्द धसने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन धसने की ये रफ्तार नहीं रुकी तो पूरा शहर तेजी से जमीन के अंदर जाता चला जाएगा। दूसरा, जोशीमठ का निचला हिस्सा यानी बेस जो अलकनंदा नदी से ठीक ऊपर है वो भी धसेगा। हालांकि इसरो की ये प्राइमरी रिपोर्ट है, फिलहाल रिपोर्ट की स्टडी अभी जारी है। आलम यह है कि जब जमीन धसने की रफ्तार बढ़ी और डर के साए में जी रहे लोगों ने शोर मचाया, तब उत्तराखंड सरकार की नींद टूटी। जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को पहले सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। केंद्र सरकार की भी पैनी नजर है। साइंटिस्ट भी खास तौर पर यह पता लगा रहे हैं कि जोशीमठ के अलावा और कितने इलाके इस संकट की जद में आ सकते हैं। जोशीमठ भूकंप जोन 5 में आता है। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।